हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड अयोध्या। तो जय माता दी फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो हमने सिर्फ इसे आलू और सूजी से बनाया है। तो ये देखिए, फटाफट से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता बनता है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जालीदार बना है। आप देख सकते हैं आलू के एक एक लच्छे इसमें नज़र आ रहे हैं। तो हमने इसे कच्चे आलू से बनाया है। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने दो आलू को कद्दूकस कर लिया है। ये कच्चे आलू हैं और देखिए इतने पतले पतले से हमने इसे कद्दूकस किया है। और अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा और जीरे को अच्छी तरीके से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मंगरेल, ये देखिए जिसे कलौंजी भी कहा जाता है। और अब हमें इसमें डाल देना है दो हरी मिर्च जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है और एक लाल वाली मिर्च इसमें डाल दिया है। इसकी जगह पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे हींग और अब हम इसमें डाल देंगे आलू। और आलू को हमें भूनना नहीं है, बस हल्के से इसे मिक्स करेंगे, यानी हल्का सा इसे मिक्स करना है तड़के में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये देखिए आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हमें इसमें डाल देना है पानी, तो हम आधा ग्लास पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ एक कप पानी डालेंगे। जिस कप से चाय पी जाती है बस उस कप से एक कप पानी हमने इसमें डाल दिया है, क्योंकि आलू में जब नमक जाएगा तो ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है। अब हमें इसमें डाल देना है नमक, तो स्वाद के हिसाब से अभी हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे ढक देंगे, थोड़ा सा पका लेंगे ढककर, यानी एक बार उबाल आ जाए बस इतना ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो देखिए हल्का सा उबाल आने लगा है। अब हमें इसे मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूजी। तो देखिए हमने आधी कटोरी सूजी लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, जिससे कि आलू ज़्यादा रहे और सूजी कम रहे, जिससे नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का सा बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और सूजी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही जल्दी सूजी पक जाती है और आलू भी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो नाश्ता बहुत ज़्यादा ऑयली ना बने इसके लिए हमें डाल देना है इसमें थोड़ा सा अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया अरारोट, दो चम्मच डाल दिया है। यहाँ पर आप चावल का आटा भी ले सकते हैं या फिर आप सूजी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा सूजी और डाल दीजिएगा। तो हमने सूजी कम लिया था इसलिए दो चम्मच अरारोट डाल दिया है, जिससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और देखिए कितनी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और बहुत ही जल्दी पक गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पनीर, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। पनीर डालने से बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप बिना पनीर के भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। अब हमें थोड़ा सा डाल देना है इसमें चाट मसाला, और चाट मसाला डालने के बाद फिर से इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स होने लगा है। अब हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये डो की तरह ना हो जाए, जैसे कि कढ़ाई से थोड़ा सा अलग होने लगे, इतना हमें इसे पकाना है जिससे कि नाश्ता टूटे ना। तो अच्छी तरीके से हमें इसे पका लेना है। ये देखिए कढ़ाई से थोड़ा सा अलग होने लगा है, यानी कढ़ाई में चिपकने लगा है। तब हमने इसे कढ़ाई से निकाल कर थोड़ी देर रख दिया है जिससे कि ये ठंडा हो जाए, तब हम इसके नाश्ते बनाएंगे। और 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट में ही ये ठंडे हो जाता है। अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो आप पंखे के हवा में 2 मिनट में ही इसे ठंडा कर सकते हैं। और अब हमें जिस भी शेप में बनाना है उस तरीके से बना लेंगे। आप इसे थाली में जमा कर इसे किसी भी शेप में काट भी सकते हैं और या फिर आप इसे गोल 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 भी बना सकते हैं। तो हमने इसे टिक्की के आकार में बनाया है। ये देखिए ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान लगता है ये बनाने में। और देख सकते हैं कहीं से भी ये टूटा नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो छोटा छोटा सा हमने बनाया है जिसे कि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और पकाने में भी बहुत ही जल्दी होगा। तो पहले मैं सारा बना लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक बैच तलने तक हमने इसे बना लिया है। दूसरा हम तेल में जब डाल देंगे तो फिर से बना लेंगे। और इधर हमने तेल भी अच्छी तरीके से गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। और बाद में जब अच्छे से
एक तरफ जब फ्राई हो जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और पलटकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और जब कढ़ाई से निकालेंगे तब हम आँच को तेज कर देंगे, यानी हाई फ्लेम पर हम इसे तल कर निकालेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पकी हुई हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हल्के से इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है फ्रेंड्स। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इतनी ईजी रेसिपी है कि आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे, और टेस्ट की तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे घर पर तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब है। तो हमने इसे तेल से बाहर निकाल लिया है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि अंदर से कितना सॉफ्ट है और ऊपर से उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमने सारा फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता लग रहा है, और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाता है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपके घर जल्दी से कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी जल्दी में कुछ नाश्ता बनाना चाहें तब भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हमने इसके साथ बनाई है इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, जो लहसुन इसमें ढेर सारा लहसुन डाला है, तो लहसुन वाली चटनी जो समोसे के साथ बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। और मैं आपको सुनाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। और अंदर से देखिए फ्रेंड्स, आलू के एक एक लच्छे नज़र आ रहे हैं और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइएगा। और मैं आपको दूसरा भी तोड़ के दिखाती हूँ। तो है ना कितना क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।